वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए हायर का 55P7GT मॉडल लेकर आए हैं, जो कि आपका हायर का सबसे अच्छा मॉडल है और काफ़ी बेस्ट ये टीवी आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये हायर का गूगल टीवी है प्लस HQLED 4K HDR के साथ ये टीवी आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप अपने लिए बेस्ट टीवी परचेस करना चाहते हैं, एक अच्छा गूगल टीवी परचेस करना चाहते हैं जिसमें साउंड क्वालिटी से लेके पिक्चर क्वालिटी भी बेस्ट हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा कि हायर का ये 55P7GT मॉडल आप परचेस करें या नहीं करें, ये खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इसके रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे आप अपना हार्ड एंड मनी जो है सही प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट कर पाएँ। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका जो टेबल टॉप स्टैंड है हमने लगा दिया है। ये जो है आपका टेबल टॉप स्टैंड जो आपको इसमें देखने को मिलता है, ये मेटल का है और ये 3 साइड बेजरलेस डिस्प्ले के साथ आपको ये टीवी आता है हायर का। इसका मॉडल हम रिपीट करते हैं आपको फिर से, 55P7GT ये मॉडल आपको देखने को मिलेगा हायर का। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, तो इसे गूगल टीवी भी आप जो है बोल सकते हैं। लेकिन हायर जो है नॉर्मल टीवी जितना भी हायर का आता है 4K में ही, तो उससे लेकिन इसमें थोड़ा बेटर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, बेटर जो है पिक्चर क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें जो यूज किया है ना, देखिए टीवी का मेन पार्ट क्या होता है, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले जितना अच्छा लगाएगा उतना बेहतरीन आपको पिक्चर क्वालिटी मिलेगा। तो इसका जो डिस्प्ले आपको दिया गया है, ये आपको मिलता है HQLED, ठीक है। नॉर्मल एक आता है आपका LED डिस्प्ले, लेकिन ये HQLED है, जिसके कारण जो है काफ़ी अच्छा आपको जो है क्वालिटी ये दे देता है HQLED के कारण। इसका पिक्सल देखा जाए तो ये जो है आपका 4K डिस्प्ले मिलता है, जिसे हम UHD भी बोल सकते हैं। और इसमें आप कोई भी 4K कंटेंट हो तो वो प्ले कर सकते हैं, प्लस HDR कंटेंट हो, HDR कंटेंट प्लस 4K दोनों में ही आप इसको जो है प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें दिया गया है, जिसके कारण आप कोई भी अगर पिक्चर वीडियो इसमें प्ले करते हैं तो कलर जो है काफ़ी जो है बेहतरीन आता है HDR सपोर्ट होने के कारण। तो 4K प्लस HDR दोनों ही आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है। और एक्स्ट्रा क्या दिया गया है, डॉल्बी विजन आपको इसमें सपोर्ट है, जो कि आपको नॉर्मल हायर के टीवी में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको डॉल्बी विजन भी सपोर्ट दिया गया है। इसका डिस्प्ले साइज जो है आपका 55 इंच आपको डिस्प्ले साइज में ये टीवी देखने को मिल जाएगा, 43 इंच डिस्प्ले साइज में भी मिलेगा और 65 इंच डिस्प्ले साइज में भी मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा इसमें जिस डिस्प्ले में टीवी परचेस करना है। नंबर 2 इसका देख लीजिए कि इसका साउंड कैसा है। तो इसमें जो है 2 स्पीकर दिया गया है, डाउन फायरिंग स्पीकर है, स्टीरियो टाइप स्पीकर आपको इसमें यूज किया गया है। टोटल मिला के 30 वाट आउटपुट आपको इसमें जो है साउंड आउटपुट देखने को मिलेगा। एक स्पीकर में 15 वाट, दोनों मिला के 30 वाट साउंड आउटपुट आपको इसमें देखने को मिलता है। और इसमें डॉल्बी एटोमस भी आपको सपोर्ट है, जिसके कारण इसका साउंड थोड़ा सराउंड साउंड आपको जो है महसूस होगा, काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगा।
नंबर थ्री जाने इसमें कनेक्टिविटी क्या क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें जो है चार HDMI पोर्ट्स है, जिसमें एक HDMI EARC का ऑप्शन दिया गया है, जिससे ऑडियो रिटर्न चैनल आप जो है ले सकते हैं। AV कॉर्ड इन करने का ऑप्शन दिया गया है, LAN का ऑप्शन है, ये गूगल TV है तो इसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वायर एंड वायरलेस दोनों प्रकार से ही आप इसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं, वायर से भी और वायरलेस दोनों प्रकार से कनेक्ट कर पाइएगा, तो इसीलिए LAN का ऑप्शन है। और डिजिटल ऑडियो आउटपुट का ऑप्शन मिलता है, ऑप्टिकल से क्या कर सकते हैं आप जो है ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं। अगर आपके घर में एक अच्छा साउंड सिस्टम है तो ऑप्टिकल कनेक्टिविटी अगर उसमें सपोर्ट करता है तो उससे भी इसको जो है कनेक्ट आप कर सकते हैं। अब देखिए एक्स्ट्रा हमको क्या दिया गया है, इस टीवी में अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का सेटअप बॉक्स हो, ठीक है, टाटा स्काई हो, डिश टीवी हो, तो कॉमन इंटरफेस इसमें जो है सपोर्ट मिलता है, जो कि आपको कम रेंज की टीवी में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस टीवी में आपको कॉमन इंटरफेस एक कार्ड आता है, ठीक है, CI जिसे हम शॉर्ट नेम में बोल सकते हैं। जैसे हमको डिश टीवी लगाना है तो डिश टीवी का सेटअप बॉक्स हमको बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, विथाउट सेटअप बॉक्स का ही इसमें जो है हमारा डिश टीवी प्ले हो जाएगा। बस सिग्नल का जो वायर रहता है वो हमको इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए कॉमन इंटरफेस कार्ड जो आता है उसको हमको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद विथाउट सेटअप बॉक्स का ही हमारा जो है डिश टीवी हो या टाटा स्काई हो हमारा इसमें प्ले हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि कम रेंज के टीवी में ये हमको किसी भी ब्रांड में देखने को नहीं मिलता था, जो कि आपको हायर में इस P7GT मॉडल में आपको देखने को मिलता है। तो ये सबसे यूनिक फीचर्स है कनेक्टिविटी में, जिस जो कि आपको हायर में देखने को मिलता है। सेट टॉप बॉक्स आप कोई भी चैनल इसमें प्ले कर सकते हैं, चाहे रिचार्ज आपको करना पड़ेगा लेकिन जो है कार्ड से ही आप जो है इसमें प्ले कर पाइएगा। स्मार्ट फीचर्स में जाए तो इसमें स्मार्ट फीचर्स क्या क्या मिलता है, तो देखिए ये जो है गूगल TV के साथ साथ हम आपको बताए डॉल्बी विजन प्लस एटोमस दोनों सपोर्ट है, प्लस MEMC सपोर्ट है। इसका रिफ्रेश रेट जो डिस्प्ले का है 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको ये TV देखने को मिलता है। और सबसे अच्छा क्या है, इसमें जो आपको रिमोट दिया गया है ना, ये ब्लूटूथ पेयरिंग रिमोट मिलता है, इसमें IR ब्लास्टर दिया नहीं रहता है। आपको ब्लूटूथ पेयरिंग रिमोट होने के कारण आप अगर पॉकेट में रख के भी बटन पुश कीजिएगा तो इसमें जो है वर्क करने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छा है। दूसरा, वॉइस कमांड आप रिमोट से भी दे सकते हैं। अब यूनिक फीचर्स इसमें क्या दिया गया है, तो ये हैंड फ्री वॉइस कमांड के साथ आता है। हैंड फ्री वॉइस कमांड क्या होता है कि आपके पास रिमोट नहीं है फिर भी आप वॉइस कमांड TV को दे सकते हैं, जो भी आपको सर्च करना हो विदाउट रिमोट का भी आप इसमें जो है सर्च कर सकते हैं। बस एक बटन रहता है नीचे, उसको आपको ऑन करना है, उसके बाद हैंड फ्री जो है वॉइस कमांड आप दे सकते हैं। गूगल असिस्टेंट सपोर्ट है, क्रोम कास्ट इनबिल्ड है इसमें, जिससे मोबाइल का डिस्प्ले आप शेयर कर सकते हैं या अपने फ़ोन से भी जो है इस TV को आप कंट्रोल कर सकते हैं। हायर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा तो ये फ़ोन से भी आपका जो है कंट्रोल हो जाने वाला है ये TV। तो ये सब काफ़ी यूनिक बनाता है इस TV को, क्योंकि हमको इस जिस रेंज में ये TV दे रहा है उस रेंज में हमको नहीं लगता है कोई भी ब्रांड इतना जो है फंक्शन देता है। और हायर है तो हायर का लगभग अभी सभी जगह आपको सर्विस सेंटर भी उपलब्ध हो जाता है। तो ये जितना भी इसके रिलेटेड जानकारी था सो हमने आपको दे दिया। आप चलिए इसका पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं, उसके बाद इसका प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, जिससे आप डिसाइड कर सके कि ये TV आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो पर बने रहें। क्वालिटी और साउंड क्वालिटी टेस्ट करके आपको दिखा दिया।
अब बताते हैं कि ये टीवी आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो कि खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए पिक्चर क्वालिटी देखा जाए तो पिक्चर क्वालिटी में हम जितना भी वीडियो प्ले करें तो कुछ ऐसा दिक्कत हमको देखने को नहीं मिला। पिक्चर क्वालिटी जो है अच्छा इसमें देखने को मिल जाता है, जो क्वालिटी में ऐसा हमको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और अगर इसमें जैसे हम प्ले करते हैं जो HDR कंटेंट है, ठीक है, जो HDR कंटेंट है आपको डिस्प्ले पर साफ साफ जो है साइड में बॉर्डर के पास आपको वहाँ दिखा जाएगा कि ये HDR कंटेंट है। आप बिल्कुल प्ले इसको कीजिएगा तो ये HDR सपोर्ट वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। ब्लैक्स देखा जाए तो ब्लैक्स भी काफ़ी अच्छा है इस डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। कलर जो है काफ़ी निखर के आता है। तो पिक्चर क्वालिटी में हमको ऐसा कुछ कॉन्स दिखा नहीं। हाँ, 4K में LED टाइप डिस्प्ले से बेटर क्वालिटी इसमें दिया गया है, क्योंकि ये DLED टाइप डिस्प्ले है तो उससे थोड़ा सा बेहतर जो है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट हमको इसमें देखने को मिलता है। साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो साउंड क्वालिटी भी अच्छा है। हायर का ही जो 55 इंच में एक दूसरा मॉडल आता है उससे इसको हम बेटर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसका जो साउंड क्वालिटी है इसमें बेस भी आपको सुनने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल टीवी में बेस अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो उसका आवाज़ जो है फटने लगता है, लेकिन इसका ऐसा हमको नहीं लगा क्योंकि इसका बेस भी काफ़ी अच्छा आपको सुनने को मिलेगा। प्लस सराउंड साउंड है और डॉल्बी एटोमस आपको सपोर्ट है, जिसके कारण तो पिक्चर साउंड क्वालिटी भी बेहतरीन आपको सुनने को मिल जाता है। इसका देखा जाए तो कॉन्स क्या है, तो देखिए पहला इसका प्राइस हम आपको बताते हैं। इसका प्राइस क्या है, 72,490 रुपया इसका MRP हो गया, और डिस्काउंट प्राइस जो आपको इसमें देखने को मिलेगा ये मिलेगा 44,900 रुपया में आप इस टीवी को परचेस कर सकते हैं। इसका मॉडल डाल के 55P7GT 44,900 रुपया में इस टीवी को आप परचेस कर सकते हैं। कहीं से भी ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी परचेस करें परचेस कर सकते हैं। परचेस करने से पहले आपको क्या क्या बात ध्यान रखना है सो देखिए। तो ये टीवी देखिए 43 इंच से ही चालू होता है ये मॉडल। 32 इंच अगर आप लीजिएगा, बहुत ही छोटा डिस्प्ले चाहिए 32 इंच में, तो आपको ये मॉडल टीवी देखने को नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली कम से कम लीजिएगा तो 43 इंच डिस्प्ले साइज में ही लीजिएगा, ये तो 55 इंच डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। उस समय ही आप बेटर पिक्चर क्वालिटी ले पाइएगा। और इसमें अगर सही में अच्छा आपको एक सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस चाहिए तो इसके साथ एक साउंड बार ज़रूर लगाना होगा, उसके बाद ही एक बेटर एक्सपीरियंस होगा आपको। साउंड बार नहीं लगाइएगा तो उतना बेटर एक्सपीरियंस आपको इसमें नहीं मिलने वाला है। सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस चाहिए तो एक साउंड सिस्टम आपको इसके साथ लगाना चाहिए। अब देखिए परचेस करने से पहले क्या क्या ध्यान रखें, तो देखिए नंबर 1 वारंटी। इसमें जो वारंटी दिया गया है कंपनी की तरफ से, आपको 1 ईयर कंप्लीट वारंटी मिलता है, 1 ईयर कंप्रहेंसिव वारंटी मिलता है, सॉरी 1 ईयर कंप्रहेंसिव वारंटी मिलता है और 1 ईयर डिस्प्ले का वारंटी, टोटल मिला के 2 ईयर वारंटी दिया गया है, वो भी होम सर्विस। लेकिन हम जो ये टीवी परचेस करेंगे, आपका घर कहाँ है, किसी दूसरे राज्य में है, किस राज्य में है, आप एक बार आप जिस भी शहर में रहते हैं हायर के टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और जानकारी लीजिए परचेस करने से पहले कि आपके शहर में इसका सर्विस सेंटर उपलब्ध है या नहीं है, और उपलब्ध है तो कितना टाइम में आपको सर्विस देता है, क्योंकि सर्विस मिलना बहुत ही ज़रूरी है। इस सब का सर्विस नहीं मिलेगा तो आप ये बड़ा साइज़ का टीवी है कहाँ ले जाइएगा, तो कैरी करना थोड़ा जो है आसान नहीं रहता है। तो एक इसके लिए एक बार सर्विस सेंटर पर कॉल करके जानकारी ज़रूर आप ले सकते हैं इसके टोल फ्री नंबर पर कॉल करके, उसके बाद ही आप जो है ये टीवी परचेस करें। ऐसा कोई पिक्चर क्वालिटी साउंड क्वालिटी में ऐसा कोई कॉन्स हमको इस टीवी में बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। अब फ्रेंड्स इसके रिलेटेड अगर हमसे कुछ बताना में छूट गया है, अगर हमसे कुछ बताने में छूट गया है तो आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, उसका रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर हम आपको दे देंगे। एक चीज़ और बता देते हैं, बहुत सारे फ्रेंड का कमेंट आता है क्या स्टोरेज है, क्या इतना स्टोरेज है इसका, तो इसमें जो है 2 GB RAM दिया गया है, 2 GB RAM प्लस 32 GB स्टोरेज देखने को मिलेगा, 32 GB स्टोरेज। लेकिन जब इसका सेटिंग हम ऑन किए तो हमको मात्र 24 GB ही और जो है फ्री देखने को मिलता था, लेकिन कंपनी जो है इसमें दिखाया है 32 GB स्पेस है।
तो जो है वो हम आपको बता दिए हैं। अब वीडियो अगर थोड़ा सा भी लगा होगा कि हमने सही जानकारी दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, अगर क्या पता उनको ये टीवी परचेस करना हो। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं एक न्यू प्रोडक्ट के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।